सूरज बहुत ज्यादा आंखों में फट रहा है जी। और हम आज जी देखने जा रहे हैं, क्या नाम है इसका, सिट्टे जो होते हैं उसकी फसल कैसी होती है, उसकी पक के कैसी फसल होती है जी, ठीक है, और कैसी देखने में लगती है। और आए देखते हैं, और साथ साथ रास्ते में जो फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हम अपने ही इसमें आए हुए हैं जी, खेत में, ठीक है, जो अबाई खेत समझ लें, और उसमें क्या क्या लगा हुआ है, किस किस चीज़ के दरख्त हैं वो भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं जी, ठीक है जी, चलें शुरू करते हैं। चलते हैं जी, खेत देखते हैं, गन्नों उसके सॉरी मकई के सिट्टा जिसे हम कहते हैं, सिट्टे के कैसे होते हैं खेत, और आपको ये भी दिखाना है कुछ, ये जो हम इधर लगाए इधर देखे, ये नीचे बहुत ज़्यादा भी है, मे भी इन्होंने पानी लगाया हुआ है, तो देख पूरा पाँव अंदर धंस रहा है इसके जी, ठीक है, और ऊपर से मैंने वाइट कपड़े पहने हुए हैं। चले आए चलते हैं, ये देखें जी, ये हैं जी जामुन के दरख्त हैं जी, ठीक है, इसमें जामुन तो अभी फिलहाल मुझे लग रहा नहीं है कोई, भाई ने बताया तो था कि लागे हैं लेकिन अभी कच्चे हैं, ये देखें हैं छोटे छोटे हैं लेकिन कच्चे हैं अभी, आपको शायद मे भी नज़र आए या ना आए, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखें, ये देखें जी, ये जामुन है जी, लगे हुए हैं लेकिन अभी कच्चे हैं, ठीक है जी, चले आए चलते हैं, ये तो अभी है ही कच्चे जी, इसका क्या देखने का फ़ायदा। तो आए जी, ये देखें जी, माशाल्लाह जी, मैं भी आपको नज़र आई है जी, अनार हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अनार लगे हैं, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं जी, ये देखें जी, ये है अनार, ठीक है, ये देखें ये ज़मीन, और ये ज़मीन के साथ अनार आए हुए हैं, ये देखें जी, और ये देखें ये किसी परिंदे ने खाया हुआ है, ये देखें ये किसी परिंदे ने खाया हुआ है जी अनार, और ये देखें ये ज़मीन तक माशाल्लाह लग रहे हैं, और ये देखें बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह अनार हैं जी ये, और ये देखें कितने कितने बड़े हैं, ये देखें ये भी परिंदों ने खाए हुए हैं, ये देखें ये भी परिंदों ने खाए हुए हैं, ये देखें, और देखते हैं इधर कोई पका हुआ अगर मिलता तो हम भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं यार, साथ साथ चलें वीडियो बनेगी, साथ साथ जो है अनार वो भी माशाल्लाह टेस्ट हो जाएगा कैसा, ये देखें साइड पर भी ये देखें ये ट्विन लगे हुए हैं, ये भी जानवरों ने खाया हुआ है, और ये देखें जी ये वाइट है, ये देखें इसका कलर चेंज कर रहा है अपना, और मुझे तो ये यार अच्छा लग रहा है, देखें थोड़ा पक्का पक्का लग रहा है, चलें चेक करते हैं, और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या, और एक ये हमें अनार तो मिल गया, चलें कोई नहीं, ये तो माशाल्लाह अपनी है जी फसल, लबाई जो है उसका था, इस वजह से भाई किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, सही है ना, इतना तो होना चाहिए फिर बंदे को, ठीक है, और ये जामुन था एक और, चलें आए हम अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, ये देखे जी अब मैं अंदर गिर गया हूँ इसके, और कैमरा भी गंदा हो गया, ये देखे जी इसके अंदर मेरा पाऊँ, और मैं ये फलांग रहा था जी, ये देखे ये मैं फलांग रहा था और ये अंदर गिर गया हूँ, चलें चलते हैं वो दोबारा, वेरी गुड, चले आए जी चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, इसे थोड़ा करके बंद तो कैमरे को एक थोड़ा साफ कर लेते, मुझे लग रहा कैमरा थोड़ा गंदा हो गया, चलें कोई बात नहीं दोस्तों, ये छोटे मोटे काम तो होते रहते हैं, लेकिन कपड़े जो हैं कपड़े गंदे होने से तो बच गए लेकिन गीले हो गए, चलें कोई बात नहीं, चलें जी चलते हैं। तो जी ये आ गए हैं सिट्टे और सिट्टों के खेत, ठीक है, अभी हमने ये भी खाना था और हम उसमें गिर गए पानी के अंदर, चले इसे भी तोड़ के चेक करते हैं, लग तो रहा है कुछ है लेकिन मेरे पास काटने वाली कोई चीज़ नहीं है, चले ऐसे तोड़ के दिल के देखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा भी तोड़ा है इसे, ये देखें ये हैं जी इसका सूरत हाल इसके अंदर की, अभी हैं दाने छोटे, चेक करते हैं टेस्ट करके कच्चे हैं कि नहीं, दोस्तों हैं तो कच्चे हैं, ये तो यहाँ से नीचे उतरना पड़ गया, हैं तो कच्चे हैं लेकिन ठीक है खाया जा सकता है, ये देखें, और वैसे भी एक तो फ्रेश चीज़ हो थोड़ी बहुत, और दूसरी हो अपने आपके अपने खेत की,
ठीक है हुई हुई है, तो पाँव में बहुत लग रहे हैं। और जूता मैंने वो पीछे उतार दिया था क्योंकि वो स्लिप कर रहा था, तो ऊपर ही चलते हैं भाई। ये तो काम ख़राब है, ऊपर चलते हैं भाई। ये देखे ना, ये कांटे की तरह लग रहे थे पाँव में क्योंकि जूता मैंने पहना नहीं हुआ। और जी देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है विलेज लाइफ में। ठीक है जी, ये देखें, ये आगे फिर वही फसलें, क्या नाम है जिसमें तूड़ी मेरा पाँव यहाँ से स्लिप होने लगा था। ये देखें काफ़ी नीचे है, तो ये देखें बचत हो गई है, ये हाथ में ज़मीन पे लग गया। तो जी आप फाइनल हम पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे जी, ये माशाल्लाह जी सिट्टे का बाग, ये देखे माशाल्लाह वाकई बहुत बहुत बड़े सिट्टे लगे हैं जी इधर यहाँ पे। ये देखे पूरी लाइन में, ये देखा आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरी लाइन में सिट्टे हैं। और मैं जी इधर अकेला आया हूँ और मुझे डर भी लग रहा है, मैंने सुना इसमें जानवर वगैरह भी होते हैं जो मतलब जैसे मतलब के जैसे पिग वगैरह हो गए। ठीक है, ये देखे जी माशाल्लाह बहुत बहुत बड़े साइज है। ये देखे मैं आपको दिखाता हूँ एक, ये देखें ये पक भी चुका हुआ है और इसका साइज़ देखें, ये देखें मेरे हाथ से कितना बड़ा साइज़ है, ये देखें मेरे हाथ से कितना बड़ा साइज़ है, बहुत अच्छी मार्शल। ये देखें यहाँ नीचे से मैंने स्टार्ट किया, ये मेरे हाथ से देखें कितना बड़ा साइज़, बहुत माशाल्लाह वाकई बहुत ब्यूटी साइज़ है ये। मे भी कोई ख़ास तरह का बीज हो इनका, ये देखें बहुत बड़े साइज़ में है। ठीक है, आएँ चलते हैं, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि आपको जैसे बताया जानवर भी होते हैं, आया भी हूँ अकेला और मुझे आपको पता है इतना पता नहीं है विलेज लाइफ का कैसे सर्वाइव किया जाता है, मतलब कि कोई। ये देखें जी माशाल्लाह कितने कितने बड़े साइज़ में, जस्ट आपको साइज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखें कितना मोटा है, ये देखें ज़रा पूरे हाथ में माशाल्लाह पकड़े पता चल रहा है, ये देखें कितना कितना मोटा है। और माशाल्लाह देखें अल्लाह ताला की कुदरत है कि एक एक के अंदर दो दो, ये और ये एक नीचे, ये नया बन रहा है, ये देखें नया बन रहा है, एक एक में माशाल्लाह दो दो लगे हुए हैं। ठीक है, और ये पहले उतार लेते हैं ना सिट्टे इसके ऊपर से, और उसके बाद जो नीचे से काट के, तो ये जो होता है बाकी स्टेम रह जाता है, ये जानवरों को डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो है जी सारा। ये देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत है जी, देखें दो दो लगे हैं, एक ये नीचे लगा हुआ है, एक ये इसी यहाँ माशाल्लाह, इसी तरह ही माशाल्लाह देखें वो दूर तक ये खेत है सारा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, मेरा गिरना भी अच्छा लगा होगा। और चलें ठीक है जी, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की विलेज लाइफ पे और बाकी जो हमारे घर के भी अच्छे व्लॉग्स हम बना लेते हैं। और साथ आपको पता है आजकल मैंने जो पिछली वीडियोज थी मेरी वो सारी मंडी से रिलेटेड, कि मैंने कहा किसी भी तरह का मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जो है पेट्स से रिलेटेड, जैसे आपको भी पता है पेट जो है वो एक शौक है और वो एक जुनून की हद तक शौक होता है, तो फिर ही मज़ा आता है। ठीक है, तो ठीक है जी, उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को कर दें लाइक, ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।